राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है। इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ने से सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद माह या फिर भादो महीने की अमावस्या तिथि के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 12 अमावस्या तिथि और 12 पूर्णिमा की तिथि आती हैं। जब अधिक मास होता है तो एक माह बढ़ जाता है, तब इनकी संख्या 13 हो जाती है। हिंदू धर्म के हिंदी कैलेंडर के जो महीने होते हैं उनमें दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के जब 15 दिन होते हैं, 15वां दिन आता है, तब अमावस्या की तिथि आती है। और जब शुक्ल पक्ष के 15 दिन पूर्ण होते हैं, महीना समापन की तरफ होता है, तब पूर्णिमा की तिथि होती है। इस प्रकार से हर महीने अमावस्या की तिथि आती है। तो आज हम इस भाद्रपद महीने की अमावस्या के विषय में बात करेंगे। इसका महत्व क्या है, किस प्रकार से अमावस्या तिथि पर उपाय करके हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो संतान संबंधी कष्ट हो, धन संबंधी हो, या फिर किसी भी प्रकार का हमारा आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और किसी भी प्रकार का हमारा कोई कष्ट हो, हम उससे बहुत ही सरल तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किए गए उपाय 100% सफल होते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभकारी होने वाला है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि है भाद्रपद अमावस्या के विषय में। हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आपको यहाँ हम बता दें पहले से ही कि भादो के महीने में ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, और जब सोमवार के दिन अमावस्या तिथि आती है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसको सोमवती अमावस्या, सोमवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने से सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। अब चलिए जान लेते हैं कि वर्ष 2024 के भाद्रपद माह में अमावस्या की तिथि की डेट क्या है, उसमें पूजा का मुहूर्त क्या है, योग क्या बन रहे हैं और बहुत सारी बातें जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रही है। भाद्रपद माह की अमावस्या को भादो अमावस्या, भादी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद माह की ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। सभी अमावस्या में सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितृ पूजन भी किया जाता है, इसलिए इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 2 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 5:21 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। भाद्रपद माह की अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:38 से लेकर सुबह के 5:24 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप गंगा स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके शहर में आसपास कोई गंगा जी हैं, कोई पवित्र नदी है, तो आप उसमें स्नान अवश्य करें। यदि नहीं है तो घर में नहाने के जल में गंगा जल डालकर उस जल से स्नान करें।
और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 6:09 से लेकर सुबह के 7:44 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या के दिन 2 शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:20 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। शिव योग को लेकर मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या वह दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण इस दिन पूरी रात्रि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस्या को पितरों का पर्व कहा जाता है और यह तिथि विशेष तौर पर पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है इस दिन पितृ लोक से पितर धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति, शांति और उनकी प्रसन्नता के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप, दान और पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद वायु रूप में पितर श्राद्ध व तर्पण की इच्छा से अपने परिजनों के घर की चौखट पर आते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पितृ पूजन जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि श्राद्ध और तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बहुत ही पुण्यदायक तिथि होती है अमावस्या की। अमावस्या की तिथि कभी भी आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अमावस्या की तिथि होती है ये आपको अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति कराती है। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपको अनेक प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, जैसे संतानहीन होना या फिर संतान होते हुए भी संतान में किसी प्रकार की कोई कमी होना। कभी कभी विषिप्त संतान प्राप्त होती है, कभी कभी संतान अंगहीन होती है और कभी कभी संतान में कोई ऐसी कमी होती है जो कि इलाज संभव ही नहीं होता, जैसे मंद बुद्धि बच्चे जो होते हैं ये भी पितृ दोष का ही लक्षण होता है। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि संतान प्राप्ति तो होती है तो केवल कन्या ही होगी, पुत्र प्राप्त नहीं होगा कहा जाता है। वैसे तो आजकल मॉडर्न टाइम है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों, हमारे पुराणों में संस्कृति के अनुसार यदि पुत्र नहीं होता है तो हमारे यहाँ तर्पण नहीं होता है। कहा जाता है कि जिसके पुत्र नहीं है और उसको उसका तर्पण कैसे होगा, इस तरीके की मान्यताएं हैं। तो पुत्र की कमी होना भी पितृ दोष का ही लक्षण माना जाता है। कभी कभी क्या होता है, दिन कमाते हैं, रात कमाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पैसा पानी की तरह बह जाता है, यह भी पितृ दोष का लक्षण होता है। घर में कलह रहना, आए दिन घर में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाना, यह भी पितृ दोष का लक्षण है। रिश्तों में प्रेम ना होना, यह भी पितृ दोष का लक्षण है। कहने का तात्पर्य है पितृ दोष आजकल के टाइम में तो ज़्यादातर लोगों की कुंडली में होता ही है। तो पितृ दोष होता क्यों है ये तो बहुत बड़ा विषय है, अभी पितृ पक्ष आने वाला है तब बात करेंगे इस विषय में। किंतु पितृ पक्ष या फिर प्रत्येक महीने में, देखिए पितृ पक्ष तो वर्ष में एक बार आता है, लेकिन आपको यह जो मौका है, ये अवसर है, ये आपको हर महीने मिलता है अपने पितरों को प्रसन्न करने का, उनके निमित्त कुछ ना कुछ बहुत ही शुभ कर्म करने का। तो वो मिलता है प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पर। कुछ नहीं तो छोटा मोटा कुछ भी दान करें। अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। आप ज़रूरतमंद को तो देखिए करना ही होता है, किंतु जो सुपात्र होते हैं, जो पंडित पुरोहित होते हैं, उनको आपको अवश्य ही दान करना चाहिए और उनसे संकल्प करवाना चाहिए। आप अन्न के साथ में वस्त्र दान कर सकते हैं, चाहे तो घर में बुलाकर भोजन करा सकते हैं और उनसे तर्पण इत्यादि की विधि करवा सकते हैं। साथ ही चींटियों को आटा डालना, कौओं को भोजन कराना, कुत्तों को भोजन कराना, गाय माता की सेवा
और उनको कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करना, ये सारे जो उपाय होते हैं ये आपकी कुंडली के पितृ दोष से आपको मुक्ति दिलाते हैं। अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। कहा जाता है कि जो लोग अमावस्या तिथि पर व्रत रखते हैं उन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, उनके जीवन में कभी भी उनके सुहाग पर विपत्ति नहीं आती है। अखंड सौभाग्य देने वाला अमावस्या का व्रत होता है। इसके भी अपने नियम होते हैं, महत्व होता है। इस दिन आप भगवान नारायण की पूजा करें, लड्डू गोपाल की पूजा करें, तुलसी माता की सेवा करें और शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। इसके अतिरिक्त माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अमावस्या तिथि के दिन धन की प्राप्ति के भी कई उपाय किए जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं और आटे का दिया प्रज्वलित करें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है और ये कार्य आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना होता है। साथ ही जो आटे का दीप आप प्रज्वलित करेंगे, जब वो दीप शांत हो जाएगा तो उस आटे के दीप को आप अपने चावल का जो ड्रम होता है जिसमें आप चावल स्टोर करके रखते हैं उसमें डालकर रखिए, तो देखिए आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय करके जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी का अपमान ना करें। आपने देखा होगा जो लोग बड़ों का अपमान करते हैं, अपने माता पिता हो या फिर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, यदि उसका अपमान जो लोग करते हैं उनकी कुंडली में ही पितृदोष विशेष तौर पर होता है। अब देखिए बच्चा छोटा होता है तो ना माता पिता को पता होता है और ना ही बच्चे को पता होता है कि पितृदोष क्या होता है, और बच्चों को तो देखिए ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या है, पर हमें ये बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, इस तरीके की बातें समझानी चाहिए कि आगे चल के इसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चा छोटा है उसको समझाएं, समझाने का हमारा कर्तव्य है। बच्चा नहीं समझता है फिर तो उसका अपना भाग्य है, हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ों का अपमान नहीं करना है, किसी भी प्राणी को, चीटा चीटी मक्खी और क्या नाम है ये गाय कुत्ता, बच्चे मैंने देखा है कि उनको परेशान करते हैं, तो इस तरीके का आचरण बच्चों को नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव जंतु को परेशान करने से भी पितृ दोष लगता है। इसके अतिरिक्त किसी की फालतू में चुगली ना करें। हर समय चीखना चिल्लाना, घर में कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, इससे भी पितृदोष लगता है। तो बेटियों को प्यार करें, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, बड़ों का सम्मान करें और अपनी पत्नी हो चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। छोटा बच्चा है, बेटा है या छोटा भाई है या कोई भी व्यक्ति है, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। घर में सुख शांति बनाकर रखें। इस दिन जिस प्रकार से आपको दान आदि का महत्व बताया है कि किया जाता है, उसी प्रकार से दीप दान का भी विशेष महत्व होता है। तुलसी पर दिया लगाएं संध्या के समय भी और प्रातः काल भी। इसके अतिरिक्त रसोई घर में एक दिया लगाएं जहां पानी की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त आपके घर की कोई भी छत का कोना हो, अगर आप फ्लैट में नहीं रहते हैं प्रॉपर घर में रहते हैं तो आप छत की मुंडेर होती है वहाँ पर एक दिया पितरों के निमित्त लगाएं और घर की चौखट पर एक दिया अवश्य ही लगाएं, क्योंकि कहा जाता है शाम के समय पितर जब अपने लोक को जाते हैं और उन्हें अंधेरा मिलता है तो उन्हें बहुत अधिक प्रताड़ना दी जाती है, और जब उन्हें प्रताड़ना दी जाती है उनका मार्ग अंधकार में होता है, प्रकाश कहीं होता नहीं है, तो वे अत्यंत दुखी होकर रोते हैं और अपने परिवारजनों को बद्दुआएं देकर जाते हैं। इसीलिए हमें अपने घर के चौखट पर अमावस्या तिथि के दिन एक दिया अवश्य ही जलाना चाहिए। यदि कर सकते हैं, यदि इतनी क्षमता है, सामर्थ्य है, समय है, तो आप घर से बाहर जाकर पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। अमावस्या तिथि पर पीपल के पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। पीपल की जड़ को कच्चे दूध से सींचें और सिंदूर लगाएं, चंदन लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, दिया प्रज्वलित करें, मिठाई का भोग लगाएं और ओम पितृ देवता भ्यो नमः, पितृ चरण कमले भ्यो नमः, प्रथम पितृ नारायणाय भ्यो नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए पीपल की आप 7 या फिर 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर जानकारी थी ये
अमावस्या तिथि की, इसमें हमने आपको उपाय भी बताए हैं। अब हम आपको यहाँ पर सोमवार सोमवती अमावस्या का उपाय बताते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सोमवती अमावस्या पर हमें कुछ बातों का ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, विशेष रूप से ध्यान रखें। चाहे वो सर में तेल लगाने की बात हो, चाहे भोजन बनाने की बात हो, आप भोजन में रिफाइंड का प्रयोग करें, देशी घी का प्रयोग करें, तिल के तेल का प्रयोग करें, मूंगफली के तेल का प्रयोग करें, किंतु सरसों के तेल का प्रयोग भोजन बनाने में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर सरसों के तेल को स्पर्श नहीं किया जाता है। ठीक है आप, और हाँ, दिए जो आपको जलाने हैं वो भी सरसों के तेल के ना जलाएं, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या है। नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, स्त्रियों को बाल शैम्पू भी नहीं करने, हेयर वॉश नहीं करना है, ना ही कोई नया कपड़ा खरीदना है, कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। इस प्रकार से इन बातों का ध्यान यदि हम रखते हैं तो हमारे जीवन के अनेक कष्ट चुटकी बजाते ही दूर हो जाते हैं। यदि आप भी जीवन में सुख शांति चाहते हैं, अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि पर कुछ ना कुछ अवश्य ही किया करें। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मम्मी पापा भाई बहन फैमिली रिलेटिव्स के साथ। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।